ये बड़ी खुशी की बात है। 3 साल के बाद आज फिर गांधी मैदान में बिहार दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। ये कार्यक्रम तो हम लोगों का चल रहा है 2010 से ही, जब उसी समय 2009 में ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों को एक बिहार दिवस के बारे में सोचना चाहिए कि कब बिहार बना। तो इसके बारे में वैसे तो बिहार एक ऐतिहासिक है, सब कुछ है, लेकिन ये देखा गया तो जो भी अंग्रेजों के जमाने में ही जब ये हुआ था, सब लोग बंगाल के हिस्सा थे, और उसी में जब 2011 में ही नवंबर महीने में ये तय किया गया कि बंगाल से अलग होकर के और एक साथ इसको बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया जाए। अब इसकी घोषणा तो उस समय हो गई, लेकिन औपचारिक रूप से फिर हुआ क्या, आखिर किस दिन से हम लोग मानेंगे कि बिहार दिवस होगा। तो वही जब औपचारिक रूप से और कई चीजों का पूरे इतिहास को का अध्ययन कर किया गया और उसी में देखा गया कि भाई जो 22 मार्च 1912 को इसके बारे में औपचारिक घोषणा की गई अधिकारी कि बिहार एक अलग राज्य होगा, तो उसी को मानते हुए वही 22 मार्च से ही हम लोगों ने सोचा कि शुरू करें, और इसको काम हम लोगों ने शुरू करा दिया 2010 से, और 2010 और 2011 सब यही हुआ। और फिर 2012 में जब 100 साल पूरा हो गया बिहार दिवस का, तो कितने बड़े पैमाने पर और भी कार्यक्रम हुआ। और जब हम लोगों ने बिहार दिवस के रूप में इस चीज को शुरू किया कार्यक्रम, तो बड़ी चर्चा हुई। और आज आप देखते हैं कि अब जब बिहार दिवस के अवसर पर जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है 2010 से, और आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो बिहार दिवस के अवसर पर सब तरफ से बधाई होती है, आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बधाई दी, आदरणीय राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, अनेक लोगों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने बधाई दी, अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने, सब लोगों की तरफ से जो बधाई का संदेश आता है। तो आप सोच लीजिए कि जो बिहार दिवस की शुरुआत हम लोगों ने करने का निर्णय लिया, ये कितना औपचारिक था। और बिहार में जो पहले पुराने जमाने में कितनी शिक्षा थी, कितने लोग विकसित थे, अब बाद में तो स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन बिहार में जो अनेक चीजें हैं जिसके बारे में सब लोग जगह जगह जानते हैं, दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं, तो कई तरह की बातें हम लोगों ने इसको करना शुरू कराया। और आप सबको मालूम ही है कि आज तो एक इतना कार्यक्रम हो रहा है कि चारों तरफ से सब तरह का कार्यक्रम तो हो ही रहा है। आज पर्यटन विभाग द्वारा ड्रोन शो का एक विशेष आयोजन किया गया, अब इसके बाद ड्रोन शो का भी सब लोग प्रदर्शन देखेंगे, सब कुछ काम को देखेंगे, तो ये बड़ी भारी चीज है। और जो कुछ भी बिहार दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम प्रारंभ से ही किया गया है और बिहार के बारे में जो इसकी महत्ता है, ये सब लोगों को पता है। और जिस प्रकार से आप जानते ही हैं कि विभिन्न धर्मों के हृदय स्थली रही, यही है बिहार का ही बोधगया। अब आप समझिए कि वो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां, तो एक एक स्थान आप देखिएगा, भगवान महावीर का जन्म यही हुआ, ज्ञान की प्राप्ति उनको यही हुई और उनका निधन भी यही हुआ, तो सब कुछ बिहार से ही रिश्ता। उसके अलावे आप जानते हैं कि सिख धर्म जो बना आगे बढ़ा, लेकिन जो सबसे पहले इसके बारे में सोचना शुरू किया था, जो प्रथम गुरु कहे जाते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, बिहार में पधारे थे, अनेक जगहों पर वो गए थे, बिहार में भी पधारे थे। और जो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी साहब भी यहां पर आए थे, और वो यहां से कहीं चले गए तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग यहीं पर रहे, और यहीं पर जो 10वें गुरु माने जाते हैं और जो सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जन्म यहीं हुआ। और आप सबको मालूम है
कि 350वें जन्म दिवस के अवसर पर किस प्रकार का आयोजन बिहार में करवाया गया, पटना साहिब में इस गांधी मैदान में भी उसका आयोजन किया गया। तो हर तरह से ये सारे काम किए जाते हैं और बिहार सूफी संतों की भी कर्म भूमि रही है। सूफी संतों के कार्यस्थल जैसे मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, खानकाह मुजीबिया, आप समझ लीजिए खानकाह मुनीमिया, मित्तन घाट आदि अनेक जो है विकास और सौंदर्यीकरण तथा पर्यटकीय सुविधाओं का कितनी जगहों पर निर्माण कराया गया। तो हर प्रकार से आप देखिएगा तो बिहार में तो इन सब चीजों को काफी भूमिका रही है। और आप सब जानते हैं कि ये तो प्राचीन भारत का जो शक्तिशाली राजवंश रहा है, मौर्य राजवंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और सम्राट अशोक इस राजवंश के सबसे पहले शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध शासक रहे, ये सब यही की बात है। अब आप सोच लीजिए और यहीं पर जो चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किए थे चाणक्य के साथ, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थशास्त्र की स्थापना की। दुनिया में पहली बार ये चाणक्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र की स्थापना कराई। और वहीं जब वो यहीं पर आए, पाटलिपुत्र उस समय कहलाता, और यहां पर जो आए और सब कुछ का करवाया गया, तो बिहार का जो महत्व है आप जरा सोच लीजिए कि किस प्रकार से ये पौराणिक स्थल है और कितना ये महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये सब चाणक्य महोदय का भी, और उसके अलावे आर्यभट्ट भी यहां है। आज से 1500 साल पहले की बात है, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया और पूरी धरती के बारे में, पूरी उसकी पूरी पृथ्वी की परिधि की गणना की, ये कौन किया सबसे पहले, और सब यही। तो आप समझ जाइए कि बिहार का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। कितनों अगर चारों तरफ से देखिएगा, अगर पुराने इतिहास को देखिए तो कितना महत्वपूर्ण। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर इन सब चीजों को याद करने की शुरुआत कराई और सब लोगों को, आज कितना हो रहा है। और आज जब जो बिहार दिवस के अवसर पर जब यहां पर अनेक कार्यक्रम होते हैं, हम लोग देख रहे हैं, आपदा के काम में भी देखा कि किस तरह से लोगों को ज्ञान देना, कैसे बचाइए, और नई पीढ़ी के बच्चों को किस तरह से एक एक चीज को बताया जा रहा है कि किस तरह से कोई संकट आवे कैसे उससे बचना चाहिए। एक एक चीज को जरा देख लीजिए, यहां पर एक एक चीजों के बारे में जानकारी दी गई, हर चीज में, ज्ञान के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में, चारों तरफ पूरे जगहों पर, कृषि के क्षेत्र में, कौन किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा रहा। तो हर क्षेत्र के बारे में लोगों को, सब चीजों को और नई पीढ़ी को कितनी खुशी होती है कि भाई बिहार पहले कभी था किसी जमाने में, आज से हजारों साल पहले जो इसका महत्व था, आज जरा देखिए, अब जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तब जो नई पीढ़ी के बच्चे और बच्चियों को देखते हैं कि कितना तेजी से आगे आ रहा है, जिस काम की हम लोगों ने कहा कि इसकी शुरुआत कराइए बच्चे और बच्चियों को, तो पूरे परिवार के लोगों को अलर्ट करेंगे किसी तरह से कोई संकट आने की स्थिति होगी। तो एक एक चीज को देख लीजिए अब कितना ज्यादा सब कुछ है। तो ये सब आज किया जा रहा है और हर प्रकार से हम लोगों की तरफ से ये कोशिश हो रही है। और आप जानते ही हैं कि यहां पर तो कितना ज्यादा सब कुछ हुआ, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कितना पौराणिक विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अब आप सोच लीजिए कि अब तो यूनेस्को द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को विश्व धरोहर की सूची दी गई। इसके लिए तो हम लोगों ने पूरा इसके लिए पूरा अभियान चलाया और पूरे तौर पर सब कुछ को रखा गया, तब कितना महत्वपूर्ण है ज्ञान के मामले में, यहां कितना लोग अध्ययन करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक एक चीज के बारे में आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार से। तो और पिछले जब से हम लोगों को मौका मिला है, तो हम लोगों ने तो किया 10 बजे, हम लोगों को मौका मिला है 5, तब से ही हम लोगों ने विकास के काम के लिए प्रारंभ किया, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, जो समाज में पीछे है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया, महिलाओं का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समुदाय का, और समाज के हर तबके के विकास के लिए जो हम लोगों ने प्रारंभ से काम किया। क्या स्थिति थी
बिहार की, उसके पहले क्या स्थिति थी, कितने लोग पढ़ पाते थे, कहां घूम पाते थे। आज तो शाम में देखिए इतने लोग हैं। जरा याद करिए, हम लोगों के पहले शाम होते घर से निकलने का कोई हिम्मत करता था, जो स्थिति थी। अब उसके बाद जो पूरे तौर पर एक वातावरण बनाया गया, और उसके बाद आप देख लीजिए कि अब किस तरह का माहौल बना, कितने लोग अब ज्ञान को की प्राप्ति के लिए कितना लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग आगे जा रहे हैं। पहले कितने लोग पढ़ पाते थे, लड़कियां कितना पढ़ पाती थी, क्या हालत। हम लोगों ने पोशाक योजना, साइकिल योजना सबकी शुरुआत की, क्या खुशी हुई। महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए तो काम ही किया। और आप जानते हैं कि बिहार तो धीरे धीरे नीचे चला गया, हम बहुत पीछे हैं अभी, हम बहुत आगे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा आबादी के दृष्टिकोण से, तो पूरे देश में जितने राज्य हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम 12वें नंबर पर, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से 3रे नंबर पर। एक वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है, उतनी आबादी देश के किसी हिस्से में नहीं, शायद दुनिया में भी उतना नहीं है, यह स्थिति। तो हम लोग तो बहुत आगे थे, अब बहुत पीछे चले गए। तो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए जो सब काम किया जा रहा, अब कितना सब कुछ किया जा रहा, प्रजनन दर घट रहा है ना, पहले कितना ज्यादा प्रजनन दर, यही देखा गया कि लड़कियां पढ़ेगी तो प्रजनन दर घटेगा। पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास देश भर का, तो प्रजनन दर 2 के करीब। और हमारे बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी तो देखा गया कि उसका भी प्रजनन दर 2, और अगर पति पत्नी में इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर 1.7 और उसी के करीब बिहार में भी। तो उसी समय ये लगा कि अगर हम अपनी बच्चियों को खूब आगे पढ़ाएं और कम से कम इंटर तक तो जरूर सबको पढ़ा देंगे तो प्रजनन दर घटेगा। और आज आपको मालूम है, जब काम करने का हम लोगों को मौका मिला तो यहां प्रजनन दर क्या था, 4.3, अब घटते घटते 3 पर पहुंच गया है, और बहुत जल्दी हम लोग इसको 2 पर ले जाएंगे। तो ये सब काम में लगे हुए, तो हर प्रकार से कोशिश चल रही है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई है, जो हम बच्चे और बच्चियों को देख रहे हैं, जितना ज्यादा उसको समझ आ रही है, जितना कोई काम कर रहा है, ये खुशी की बात है। हम अभी और आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है भाई कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बहुत लोग आपस में झगड़ा कराने में लगा रहता, तो कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है, दुनिया भर में होता है गड़बड़, लेकिन वो गड़बड़ लोगों के चक्कर में नहीं रहना, प्रेम का और भाईचारे का माहौल कायम रखना। तो आप देखिएगा कि और जितना तेजी से आगे बढ़ रहा, ये हम लोगों का राज्य और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो जो पहले का इतिहास सबको मालूम होना चाहिए, और अब जो किया जा रहा है और कैसे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ काम होगा। अब पहले कितना था, अब सड़क पुल पुलिया बताइए, हर घर नल का जल, एक एक चीज हर घर तक बिजली, कौन कौन सा काम हम लोग कर किया है हम लोगों ने। और उसके अलावे और तेजी से हम लोग कर रहे हैं कि हर चीज जो बनाएंगे, सड़क बनाए, पुल पुलिया बनाए, कोई भवन बनाए, सबको मेंटेन करके रखना है, और उसके लिए सारा काम, और नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान सबको दे दिया जाए, उसके लिए भी जो हम लोगों ने पहले जो 7 निश्चय के अंतर्गत काम किया, अब 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो सारा सब कुछ हम लोगों ने तय किया, एक एक तरह से बढ़ाने की कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये सब काम तो होगा ही, लेकिन इन सब चीजों के अलावे और भी बहुत आवश्यक है कि हम लोग एक ही चीज को पूरे तौर पर देखते रहें। आज के बारे में जैसे कह रहा कि आज का खास थीम है जल जीवन हरियाली अभियान, अब आप सोच रहे हैं ना, अभी तो बता रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी, इन्होंने तो बता दिया पुराना इतिहास, 2019 की कहानी बता रहे थे, और उसी समय हमने कहा, एक कार्यक्रम में हमको बुलाए हुए थे, नया नया बहाली किए थे तो उसको बहाली का सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो उसमें हमको भी बुलाए हुए थे विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर साहब, तो उसमें हम सब करते रहे। लेकिन उसी समय हमने कहा
कि भाई एक जो सबसे जरूरी चीज है वो जरूरी चीज है कि लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही और नीचे जा रहा, हम लोगों को अपने यहां के बारे में सोचना पड़ेगा। और आप सोच लीजिए कि जो स्थिति आ रही थी तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने किया। और जैसा इन्होंने कहा कि एक दिन मीटिंग रखी गई और जुलाई महीने में, और पूरा दिन भर कार्यक्रम हुआ, एमएलए एमएलसी सारे लोग भाग लिए और एक एक बात की चर्चा हुई। और उसी दिन सब लोगों की बात करने के बाद हमने अनाउंस किया था कि हम लोगों ने बिहार में इसको आगे बढ़ाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को खत्म करने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा और इसके लिए हम लोग रक्षा के लिए जो काम करेंगे, तो उसका नामकरण हम लोगों ने किया जल-जीवन-हरियाली। और कहा कि अगर जल है सुरक्षित और हरियाली सुरक्षित है तभी जीवन सुरक्षित रहेगा, अगर जल असुरक्षित होगा, हरियाली असुरक्षित होगा तो जीवन नहीं बचेगा, चाहे वो किसी का भी सवाल हो। तो इसीलिए पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, इंसान हो, हर किसी के जीवन की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक। तो ये काम हम लोगों ने उस समय जो किया, उसके बाद इसके बारे में पूरी तैयारी करके कि आखिर जल जीवन हरियाली का क्या अंश होगा, 11 हिस्सा बनाया गया उसका, और 11 हिस्सा एक एक चीज को बना करके। और इसके लिए हम लोगों ने उसी समय तय किया 24,000 करोड़ रुपए का कि राज्य सरकार की तरफ से इस काम को शुरू किया जाएगा, और वो काम शुरू किया गया और एक एक काम किया गया। 7 अवयव जल संरक्षण के संबंधित, अब आप जान लीजिए, ये बताना जरूरी है कि अभी तक जितने सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पाइन जो अतिक्रमित थे, उनको अतिक्रमण से मुक्त किया गया। अब उसकी संख्या अब हो गई है 16,680 सार्वजनिक पोखर, तालाबों, आहर पाइनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। उसके बाद जो भी था कि 8,595 तालाब पोखर, 22,453 आहर पाइन का जीर्णोद्धार कराया गया, यानी अतिक्रमण से मुक्त किया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। ये सब काम जो हम लोगों ने उसके जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा बनाया। और उसके अलावे 14,859 कुओं का जीर्णोद्धार कराया गया, कुओं तथा चापाकल के पास। और ये हम लोगों ने क्या तय किया था कि सोख्ता का निर्माण कराएंगे कुआं और चापाकल के पास, तो कुओं तथा चापाकल के पास 1,29,336 सोख्ता का निर्माण कराया गया। और उसके अलावे आप समझ रहे हैं कि चेक डैम 7,657 चेक डैम का निर्माण, कितने तरह के काम और किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि जो कुछ भी जगह जहां पर पानी की कमी है, आप सबको मालूम है कि उसके लिए काम हो रहा, जो भी है आप सबको मालूम है, बोध गया, गया, राजगीर, नवादा, इन सब जगहों को जा करके गंगा जल वहां पहुंचाने के लिए सारा काम किया जा रहा है, पूरी कोशिश चल रही है। और कितना राउंड हम लोग देख आए हैं और काम तेजी से चल रहा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल बरसात के पहले कहीं जगह पर पहुंचाने की स्थिति में पहुंचेंगे। इस तरह के लिए काम करने के लिए एक एक काम हो रहा है। आप सोच लीजिए, आज 4 महीना सिर्फ बरसात के समय ही गंगा जल वहां से लेकर के वहां पहुंचाएंगे, और 12 महीना उसको ठीक ढंग से सफाई करके, मेंटेन करके और लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होगी। और कितने टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर, कैसी ऐतिहासिक जगह है, और वहां पर यह था। तो इसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया, और वह भी हिस्सा है जल जीवन हरियाली अभियान का, और वो भी काम किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। तो इस तरह से, और आप समझ लीजिए, नए जल स्रोतों का भी निर्माण किया गया है, 20,318 नए जल स्रोत सृजित किए गए। और आप सबको ये बता दें, जितना भी छत पर वर्षा होती है तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए
13,321 सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया। और उसके अलावा ये तो पूरा 7 का हिस्सा हुआ, और उसके बाद एक हिस्सा है पौधारोपण, जैसे जल की रक्षा तो उसी तरह समझिए हरियाली। अब पौधारोपण तो हम लोगों ने तो पौधारोपण के लिए बिहार झारखंड एक साथ था, अब कोई चिंता नहीं करता था, झारखंड अलग हो गया, तब देखा गया कि बिहार में क्या स्थिति है, कितना बुरा हाल है। तो उसके स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने जो इसके लिए पौधारोपण के लिए काम किया कितने बड़े पैमाने पर किया। यहां पर जब बिहार से झारखंड अलग हुआ और जो बिहार है उसका मां जान लीजिए कि हरित आवरण मात्र 9%, आप समझ लीजिए। और उसके बाद जो हम लोगों ने इस पर पूरा विचार किया कि काम करना चाहिए, और 2012 से जो काम करवाना शुरू किया, और उस समय जो हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखे, 2018-19 तक 22 करोड़ पौधे लगाए गए, और जब जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की उसी का पार्ट इसको बनाया, और 2 आइटम हो चुका है 2 बार, आप समझ लीजिए। एक साल पिछले वर्ष के एक साल पहले 3,95,00,000 पौधारोपण किया गया, और पिछली बार 3,89,00,000 से अधिक पौधारोपण हो चुका, और जो पहले आपका हरित आवरण 9% था अब वो बढ़ करके 15% हो चुका, और 17% का तो कम से कम हमारा लक्ष्य है। क्योंकि भाई देखिए हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा, क्षेत्र सीमित है, इसलिए हम लोग लाख चाहेंगे तो बहुत सीमा के आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं 17% से भी, अभी तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन उससे भी आगे और ज्यादा। और जितना सड़क बनाते हैं उसके अगल बगल में पेड़, और जितने सब जगहों पर वृक्षारोपण सब जगह से करके हरियाली का वातावरण, और जरा पहले का देखिए बिहार का हाल, और अभी जरा कहीं कहीं घूमिए और सही मायने में आपको दिखाई पड़ेगा पुराने जमाने की स्थिति से लेकर के अब तक, जब बिहार झारखंड एक था किसी को कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि झारखंड में तो बहुत था उस इलाके में, लेकिन जब उसके बाद जब हम लोगों को लगा कि अब ये सब कुछ करना है जो हम लोगों ने कराना शुरू किया, और वृक्षारोपण कितने बड़े पैमाने पर 12 से तो हम लोगों ने विशेष तौर पर हरियाली मिशन की शुरुआत कराई थी, तो ये सब करते हुए अब हम लोगों ने इतना दूर किया है। तो ये भी काम समझ लीजिए, ये जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है पौधारोपण, और उसके बाद एक हिस्सा है हम लोगों का कृषि के क्षेत्र में, तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। 2008 से कृषि रोड मैप, तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा है, कितना कृषि की तरक्की हुई है, कितना बढ़ा है कृषि के क्षेत्र में बिहार। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने कहा कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि होनी चाहिए, जिस इलाके में जो चीज उपयुक्त हो, और उसी पर कितना अध्ययन अब चल रहा है। अब पूरे हर जिले में हम लोगों ने इसका इंतजाम कराया है, और हर जगह पूरा चीज करा के और लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये भी जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है मौसम के अनुकूल। और दूसरा चीज तो हम लोग कहते हैं कि जो पुआल को जलाने वाला है फसल, ये जो जो है पुआल का, तो उसका तो फसल अवशेष प्रबंध, अब उसका जिस तरह से लोग जला रहे हैं, मैं तो विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा सबसे पूरे बिहार वासियों को कि अब धीरे धीरे जैसे फसल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि उसको जलाने वाला काम ठीक नहीं है। वो जो हम लोग चाहते हैं जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पूरे माहौल को ठीक करना, अगर उसको जलाते जाइएगा आई कहां से बाहर का आदमी आकर के और उल्टा पुल्टा लोगों को समझा देता है, गलत बात कर देता है। अब उसके लिए तो पूरा का पूरा विभाग पूरे तौर पर काम कर रहा, पूरे तौर पर एक एक जगहों पर जाकर के ये कोशिश कर रहा, सबको समझाने की कोशिश कर रहा, तो ये बात तो समझना पड़ेगा। और कृषि विभाग इसके लिए पूरा लगा हुआ, लोगों को बताना कि ये बहुत जरूरी है मौसम के अनुकूल कृषि का। एक दूसरा हिस्सा है फसल अवशेष प्रबंधन का, ये जो पुआल जलाने वाला चक्कर है ये नुकसान पहुंचाएगा, लाख हम लोग लाख पहुंचाएंगे, ये लोगों को समझाना होगा। जैसे एक तरफ हम लोग लाभ दे रहे हैं और दूसरी तरफ कोई ना कोई आदमी गड़बड़ तरह का आदमी, और वो इस राज्य का नहीं है, वो दूसरे राज्य का आ जाता है, इधर से उधर कुछ कुछ करता रहता है।
और कितनी बड़ी बैठक हम लोगों ने की थी 2018 में और 19 में, जितना किस तरह से कार्यक्रम शुरू कराया, तो इस सब चीज को भी, तो हम लोगों का ये जो जल जीवन हरियाली अभियान है उसमें यह भी है, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम में फसल अवशेष प्रबंधन का भी काम है, इसको भी हम लोगों को करना है। और फिर सौर ऊर्जा, ऊर्जा पर तो हर घर बिजली पहुंचा दिए, लेकिन असली ऊर्जा क्या है? ये जो सब जगह से हम लोग ऊर्जा बना रहे हैं ये कितना दिन तक टिकेगा? असली टिकेगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा ही असली चीज है। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ही जल जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा है कि सौर ऊर्जा को हम लोग बढ़ावा देंगे, और अभी उसकी शुरुआत की गई है। लगभग 2000 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा स्थापित किया गया, वो धीरे धीरे इस काम को करने की कोशिश हो रही है कि लोग समझ लें कि ओरिजिनल चीज कौन है, सौर ऊर्जा। तो इसीलिए इसके लिए काम तो ये हुआ 10, और एक है कि इसके लिए निरंतर जल जीवन हरियाली के लिए अभियान चलाना, ये 11वां आइटम, और ये हो रहा, हर महीने मीटिंग करना, हर जगह की खबर लेना, तो ये काम भी हो रहा। तो इसलिए आज का जो दिवस है, इस दिवस के अवसर पर, बिहार दिवस के अवसर पर जो आज मुख्य रूप से रखा गया है जल जीवन हरियाली अभियान, तो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जितना काम हो रहा उतना तो सरकार के द्वारा तो करना ही है, लोगों को भी प्रेरित करना है, और सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज को लेकर के एक एक तौर पर, पूरे तौर पर इसके लिए काम करना चाहिए। और जब हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की 19 में शुरुआत की, 2019 में, और उसी समय हम लोगों ने क्या किया, जागरूकता अभियान जो चला ही रहे थे, और उसके बाद लोगों में यह भाव कितना अच्छा गया, आप समझ लीजिए कि इसमें मानव श्रृंखला भी बनाए हम लोग 19 जनवरी 2020 में, और 19 जनवरी 2020 में जो मानव श्रृंखला की स्थापना की गई, मानव श्रृंखला में 5,16,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अब आप सोच लीजिए जो काम किया गया, तो अब तो बीच में आ गया ये कोरोना का दौर, तो भला बताइए जो 3 साल हम लोगों का खत्म हुआ है ये वाले में, बिहार दिवस के अवसर पर वाले में, तो बीच में आ गया कोरोना, अब कोरोना पर तो सचेत रहना ही है, सब कुछ हो रहा, और बिहार में तो एक एक चीज पर और पूरे देश में ध्यान दिया जा रहा, तो उसके लिए तो जो कुछ भी है, लेकिन उसके लिए जरूरी चीज, और हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार तो हम लोग निश्चित रूप से बिहार दिवस का आयोजन करेंगे, और देख लीजिए गांधी मैदान फिर उसी प्रकार से जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से आज का ये कार्यक्रम हुआ, और आज के दिन जल जीवन हरियाली अभियान का रखा गया है उद्देश्य, तो इसमें निश्चित रूप से काम होना चाहिए। और आप जानते हैं जब बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी तो नवंबर 2019 में बिल गेट्स आए थे, और जब आए थे उनसे बातचीत हो रही थी तो जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में उनको जानकारी दी थी, बड़ा प्रसन्न हुए थे और इसकी प्रशंसा की थी। और आपको मालूम है 24 सितंबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस में उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई देशों के मुख्यमंत्री और जो प्रमुख नेता सब भाग लिए थे, उसमें भी हम लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला था, और उसी में हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में सारी बातें कही थी। तो आप सोच सकते हैं कि आज जब बिहार दिवस के अवसर पर फिर से जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में कहा जा रहा, सब लोगों को इसके लिए सजग होना है और सचेत होना, और आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम रखना है, और जितना भी हम इतना ही आश्वस्त करेंगे कि हम लोगों का जो कमिटमेंट है बिहार के विकास के लिए, जो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो काम तो हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथियों ने आप लोगों को बता दिया है कि कितना ज्यादा प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है, हम लोग सब तरह से सारा काम कर रहे हैं, वो काम तो करेंगे, लेकिन पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है, तो इन सब चीजों में बाकी सब काम तो करते ही हैं। और महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुष और स्त्री बराबर, हम महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं, और हम लोग तो एक एक चीज जो कर रहे हैं, हर प्रकार का अभियान चलवा रहे हैं, हर तरह से
समाज सुधार अभियान भी चला रहे हैं और जिस प्रकार से शराब से मुक्ति होनी चाहिए, शराबबंदी का अभियान, बाल विवाह दहेज प्रथा से मुक्ति होनी चाहिए, ये सब काम हम लोग करते हैं। तो विकास का भी काम करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण का भी काम करते हैं और हर के मन में एकता आए और हर प्रकार से जागृति पैदा हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं और एक एक चीज को ध्यान रखिए और मैं तीसरी बार कहता हूं कि जरूरी है कि आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे, मिल करके आगे बढ़ें और बिहार को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और अपने इतिहास को फिर से जागरूक कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस बिहार दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को सारी शुभकामनाएं और जितने लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।